गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। आज हम कबड्डी लेसन के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है, पंजाब स्टाइल कबड्डी बारे विस्तार नाल चर्चा करो। उत्तर है, पंजाब स्टाइल कबड्डी जिसनों दायरे वाली कबड्डी भी किया जाता है, अजकल 22 मीटर के दायरे में खेडी जाती है। इस दे विचकार सीधी लकीर जा पाड़ा विच दिता जाता है, जिस दे विचकार 6 मीटर दी विथे ते 2 ढेरियां ला के हत्थे बना दिते जाते हैं। इन्हां विच खिलाड़ी ने कौड़ी पाउण जाना ते वापस परतना हुंदा है। दोहां टीमां विच 14-14 खिलाड़ी हुंदे हन, जिन्हां विच 4-4 खिलाड़ी राखवें हुंदे हन। एक टीम पाड़े दे 21 पासे दूजी पासे खड़ी हो जाती है। खेड पोशाक सिर्फ कच्छा ही होंदा है, पर हुण किते किते खिडारी बुनैण दी पाउण लगे हन। खेड दे मैच दा समां 20+5 यानी 20 मिंट हुंदा है, यानी 20 या 25 मिंट हुंदा है। सिक्का उछाल के टास दा फैसला किता जांदा है। वधेरे अंक हासिल करन वाली टीम जेतू मनी जाती है। बराबर अंकों की स्थिति विच पहला अंक हासिल करने वाली टीम जेतू मनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, कबड्डी की खेड में अंतरराष्ट्रीय खेडों जिनी तरजीह क्यों नहीं दी जाती? उत्तर बनता है, इसलिए दलील ये दी जाती है कि कबड्डी या खेड़ा पंजाब का आंढ़ गुआंढ के कुछ इलाकों तक ही सीमित है, जबकि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट आदि अंतरराष्ट्रीय खेड हैं। कुछ खेड अधिकारी ये कहते हैं, सुने जाते हैं कि कबड्डी तो चंगे तो चंगा खिलाड़ी हॉकी या क्रिकेट के मुकाबले की घट लवेगा। असल विच पंजाबी अपने सभ्याचार वालों अवेशले होके बहुत ही बार और पासी लग तुरते हैं। पंजाब का कोई गबरू अंग्रेजों की खेड टिकट दे चार टल्ले वधिया ना ला लवे तां उहदा जश करदा नहीं थकदे, इनामां सन्मानां दे ढेर ला दित्ते हन। पर कबड्डी ते तनंतर खिलाड़ी नूं अणगौलियां कर दिंदे हन, ये समाज बेदियानी ते वितरका है। प्रश्न नंबर 6, कबड्डी दी कुछ प्रसिद्ध या प्रमुख खिलाड़ियों के नाम दसो। कबड्डी के प्रमुख खिलाड़ियों के नाँ हैं कि सरगोधे का बाबू फकीर मुहम्मद, सुल्तान शाह आदे वाला, तारा सिंह हट्टी वाला, किरपाल सिंह साध, बिल्लू राजे राणिया, निर्भय रमेदी वाला, अठूर दा छंगा, लायलपुर चौधरी मुहम्मद साई, संतोख सिंह तोखी ते संतोख सिंह टाइगर आदि। प्रश्न नंबर 7, गुट दा पीर सरदार किस नूं कहा जाता है? उत्तर, गुट दा पीर सरदार किरपाल सिंह शाह नूं इस करके कहा जाता है क्योंकि कबड्डी खेडते समय उस तो कोई गुट नहीं सी छुड़ा सकता सी। प्रश्न नंबर 8, कबड्डी लेख किसकी रचना है? तो कबड्डी लेख जो है प्रोफेसर श्रवण सिंह की रचना है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, ये आपको नोटबुक पे लिखने और याद करने हैं। धन्यवाद।